वहीं शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर भारी बारिश के चलते चारों तरफ हालात जो हैं वो काफी खराब बने हुए हैं, जिसके बाद बाढ़ पीड़ितों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बाढ़ पीड़ितों का ये कहना है कि उन्हें बदबूदार भोजन दिया गया, जिसके चलते ग्रामीणों ने सारे लंच पैकेट को वापस कर दिए। बताते कि जिले में 5 तहसीलों के 60,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं योगी सरकार बाढ़ पीड़ितों के लिए हर संभव और बेहतर सुविधा की बात करती है, लेकिन उनकी ही सरकार जिम्मेदार बाढ़ पीड़ितों को अब बदबूदार खाना बांट रही है। और ये पूरा मामला गोला तहसील के बेल्हा सतहा गाँव का बताया जा रहा है। वही खबर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से है, जहां पर सुंगरहा में हुई घटना को लेकर ओबीसी महासभा ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। पीड़ित परिवार का ये कहना है कि वह पुलिस प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और एसडीओपी पीयूष मिश्रा को ज्ञापन सौंप कर धरना प्रदर्शन का समापन किया गया। ठीक रहा और जिस तरीके से कुशवाहा परिवार के साथ मारपीट की गई, उसके खिलाफ आज ओबीसी एससी एसटी की तरफ से एक मंच लगा करके एक आश्वासन दिया गया कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को कतई बख्शा न जाए और उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। और मैं दिनांक 9/10/2022 को दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ था, दोनों पक्षों द्वारा थाने में आकर अपनी रिपोर्ट कराई गई थी। इस संबंध में आज इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है और उसमें मेरे द्वारा उनको आश्वस्त किया गया है कि घटना में FIR की गई है और FIR के उपरांत निष्पक्ष जांच पुलिस द्वारा की गई है, की जाएगी अभी भी, और जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर जो लीगल एक्शन होगा वो लिया जाएगा। वही खबर मध्य प्रदेश के पन्ना से है, जहां पर आगामी 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक पन्ना जिले की पवई विधानसभा अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्र कलदा में विश्व में विख्यात बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा रामकथा का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर बागेश्वर धाम शिष्य मंडल और प्रशासन के द्वारा तैयारियां जोरों पर है। सुरक्षा व्यवस्था आदि को लेकर पुलिस अधीक्षक ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दौरा करते हुए कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। 14 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक कलदा में कथा का आयोजन होना है और इसके संबंध में संबंधित समिति के द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही है, पुलिस के द्वारा स्थानीय स्तर पर बैठकें की जा रही है, ग्रामीणों को समझाइश दी जा रही है कि कथा सुनने के लिए जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो सुरक्षित तरीके से आए और ट्रैक्टर ट्रॉली या ऐसे वाहन जो कि लोडिंग के लिए यूज़ होते हैं, यात्री परिवहन के लिए यूज़ नहीं होते हैं, ऐसे वाहनों में नहीं है, क्योंकि दोनों ही तरफ से घाट बढ़ता है और ये घाट काफ़ी बड़ा घाट है और इसमें किसी प्रकार की दुर्घटनाएं ना हो इसके लिए एहतियात बरतने की बहुत आवश्यकता है। तो आपके माध्यम से मैं आम जनता को भी संदेश देना चाहता हूँ कि आप श्रद्धालु जो भी आ रहे हैं वो सुरक्षित तरीके से। वही खबर पन्ना से है, जहां पर हीरो के मिलने का सिलसिला लगातार आपको बता दें कि जारी है। वहीं बीते दिन बुधवार को भी हीरा कार्यालय में दो हीरे जमा किए गए और एक हीरा छतरपुर जिले के पथरगुआ गांव के निवासी मजदूर को रास्ते में चलते चलते मिल गया, तो दूसरे को हीरापुर टप्रियन में खदान से हीरा मिला है। एक हीरा 4.86 कैरेट तो दूसरा हीरा जो है वो 3.40 कैरेट का है। दोनों हीरो को हीरा कार्यालय में जमा किया गया है। आज हीरा कार्यालय में दो हीरे प्राप्त हुए हैं, जो कि एक हीरा पर टपरियन से प्राप्त हुआ है, जिसका वजन 3.40 कैरेट है। ये मैला किस्म का हीरा है और दूसरा हीरा 3.4 कैरेट 86 सेंट है, जो पड़ा हुआ एक व्यक्ति को प्राप्त हुआ है, जिसका नाम वृंदावन रेखवाल है। ये छतरपुर निवासी है और उज्ज्वल किस्म का हीरा है। 3.86 कैरेट का वजन है और दूसरे का 3.40 कैरेट। जो हीरा जो है पड़ा मिला है वो कहाँ पर पड़ा मिला है? ये कमलाबाई तालाब के पास कहीं घूमने गया था अपने रिश्तेदारी में, आया था तो कमलाबाई तालाब के पास। वही खबर आगरा से है, जहां पर आगरा विकास प्राधिकरण लगातार हो रहे अग्निकांडों के बाद भी अनदेखी कर रहा है। बता दें आपको कि आगरा के पुष्पांजलि हॉस्पिटल में फायर एनओसी ना होने के बाद भी उसे संचालित किया जा रहा है। वहीं एसआई के संरक्षित स्मारक से 50 मीटर की दूरी होने के बाद भी हॉस्पिटल का नक्शा पास कर दिया गया है। जो भी हॉस्पिटल्स हैं या होटल्स हैं या जिस भी तरह के पब्लिक इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर उनमें किसी भी तरह की कोई भी कमी है तो वो कमियां सामने आती हैं और कमियां अगर उनके द्वारा दूर नहीं की जाती हैं, फायर सेफ्टी के नॉर्म्स अगर उनको पालन नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ जो है नियम अनुसार कार्रवाइयाँ की जाएंगी। सर टाइम कितना दिया था आपकी तरफ से?
उसको रखने का? नहीं, ऐसा कोई टाइम नहीं है, एज पर एक्ट हम लोग कार्रवाई करते हैं। अगर किसी का कमी है और वो दूर नहीं करते हैं तो हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं नियमानुसार। वही खबर आगरा से है, जहां पर आगरा कैंट से मौजूदा विधायक डॉक्टर जी एस धर्मेश ने नगर निगम सदन में पहुंचकर हाउस टैक्स सर्वे करने वाली कंपनी के प्रति नाराजगी जाहिर की है। बता दें आपको कि विधायक को कंपनी के द्वारा गलत टैक्स भेजा गया। विधायक को एक मंजिल मकान की जगह पर 4 मंजिला मकान का टैक्स जो है वो भेज दिया गया। एक आंखों की बीमारी होती है डिप्लोपिया जिसको बोलते हैं, और डिप्लोपिया में ये होता है कि ये आदमी को एक आदमी खड़ा है तो उसे 2 दिखाई देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सर्वे करने वाली कंपनी को ये डिप्लोपिया की बीमारी है और इसने एक मकान को डबल और डबल को आपके भी उसका बिल गलत बनाया गया। मेरा भी बनाया गया, मैं 38/5 चौथी मंजिल ग्राउंड फ्लोर था 38/5। तो ये इस तरह से ये कंपनी एक मैं समझता हूँ पीछे क्या हेतु है, जो क्यों शासन से भेजी गई, इसका क्या बैकग्राउंड है, इसका कोई एक्सपीरियंस पहले था या नहीं था, इस पर यहाँ पर कोई जानकारी नहीं दी गई है, एक पर ऊपर से थोप दी गई, ये बहुत गलत है। और सारे जो है घर करके जो नोटिस जारी किए हैं उनको निरस्त होना चाहिए और शासन को लिखना चाहिए। चित्रकूट में 4 दिवसीय शरदोत्सव और ग्रामोदय मेला के आखिरी दिन यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि चित्रकूट की ये धरा बहुत ही पावन है। जब यहाँ धरा पीड़ित और उपेक्षित रही तो भगवान राम ने शरण ली और नाना जी यहाँ आए तो उस समय भी यहाँ पीड़ित और उपेक्षित था। उन्होंने कहा कि अंत्योदय में संपूर्ण समाज और ग्रामोदय में संपूर्ण भारत की जरूरतें समाहित हैं। डिप्टी सीएम ने इसके पहले नाना जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और ग्रामोदय मेले में लगे स्टॉलों का अवलोकन भी किया है। हमारे तो अपने सामने अपना जो गोलू सामने खड़ा हुआ है, मैं पहले इससे पीछे की अपने जो स्टोरी लेकर आऊंगा, तो कि हमने 2000 से पहले गोलू भट्टाचार्य किया था जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस था, लगातार 11 साल पूरे इंडिया का चैंपियन बना रहा, उससे बहुत अच्छे कटड़े और कटड़े तैयार करी है ताकि हरियाणा बहुत नस्ल सुधार हुआ है। नीचे करो ना मोबाइल आयोजित इस कार्यक्रम में समारोह मोबाइल मिलने का मतलब ये है कि निश्चित तौर से यहाँ कुछ ऐसा आशीर्वाद अदृश्य रूप से प्राप्त हो जाता है जिसे न व्यक्त किया जा सकता है न जिसे देखा जा सकता है, लेकिन अनुभव जरूर किया जा सकता है कि आज यहाँ का कंपनी स्थापन के आने के बाद। दूसरा ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश उत्तराखंड में खनन माफिया और यूपी पुलिस के बीच फायरिंग का मामला सामने आया है। यूपी के मुरादाबाद से खनन माफियाओं का पीछा करते हुए पुलिस टीम उत्तराखंड के उधम सिंह नगर पहुंची, जहां पर पुलिस और माफियाओं के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई और इसमें 5 पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं जबकि 1 महिला की मौत हो गई। अपराधियों ने 2 पुलिस वालों को बंधक भी बना लिया और इस मामले में 3 पुलिस वालों के हथियार भी गायब है। खबर कुशीनगर से है, जहां पर बाल विकास परियोजना के प्रभारी CDPO मंजू श्रीवास्तव का घूस लेते वीडियो वायरल हुआ है। बता दें आपको कि बाल विकास परियोजना से जुड़ी आंगनबाड़ी केंद्रों पर तैनात कार्यकर्तियों से घूस लिया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर तैनात कार्यकर्तियों ने कई बार विभाग के अधिकारियों से शिकायत भी की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। वही खबर संभल से है, जहां पर तेज रफ्तार बाइक सवार गौवंश से टकरा गया और इस दौरान बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया और सूचना पर पहुंचे परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा भी किया है और ये पूरा मामला नखासा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। अच्छा, ये जो मृतक महिला है कौन थी आपकी? मेरी नंदी। अच्छा, ये कैसे इनकी मौत हुई है? बछड़ा क्या अगर रोड पे एक्सीडेंट मतलब घायल हुई? हाँ, सच सब फूटे पड़े, एक लड़की है एक लड़का है, दो से चला गया। अच्छा, इनके सिर में चोट लगी है। जो एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ था? पैर पे में हुआ।
वही खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां पर टैक्स चोरी की आशंका में प्रदेश के 59 पटाखा कारोबारियों के 150 ठिकानों पर जीएसटी विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है और उनमें इंदौर के 12 व्यापारियों के 49 ठिकाने भी शामिल हैं। जांच में कई गोडाउन और ठिकाने जीएसटी विभाग में रजिस्टर तक नहीं मिले हैं और ये छापा डाटा एनालिस्टिक्स और गोपनीय सूचना के आधार पर मारे गए हैं। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Feel the power of Intel. Macro lubricant, ready to dry.